अरे प्रभु श्री राम का अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। इतने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद आज राम मंदिर बन रहा है। आज मैं राम मंदिर को बनता देख रहा हूँ, मेरी आंखें सौभाग्यशाली है। जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जी आएंगे, योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इससे ज्यादा खुशी तो हम हिंदुओं की देखो हो ही नहीं सकती। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगी। यही कारण है कि बड़ी संख्या में राम भक्त धर्मनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसी बीच अयोध्या पहुंचे मात्र 9 साल के कथावाचक अभिनव अरोड़ा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। धर्मनगरी में अभिनव राम भक्ति में लीन राम भजन गाते हुए नजर आए। कथावाचक अभिनव बीते कई दिनों से चर्चा का विषय हर ओर बने हुए हैं। ऐसे में धर्मनगरी पहुंचते ही बड़ी संख्या में इनके चाहने वाले इनके आसपास एकत्रित हो गए। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, हमें गौरव हो रहा है, हमें खुशी हो रही है, हमें गर्व हो रहा है और हर सनातनी को हो रहा है, हर हिंदू को हो रहा है कि हमारे प्रभु श्री राम का अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। इतने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद आज राम मंदिर बन रहा है और मैं पावन तीर्थ अयोध्या में हूँ। आज मैं राम मंदिर को बनता देख रहा हूँ, मेरी आंखें सौभाग्यशाली है, मेरी अखियां सौभाग्यशाली है। जय श्री राम। इतने सालों से भगवान राम टेंट में बैठे हुए हैं तो आज कितना खुशी का पर्व है, कितना पावन पर्व है। उनके लिए भव्य राम मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। नरेंद्र मोदी जी आएंगे, योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। बहुत खुशी का पर्व है ये। इससे ज़्यादा खुशी तो हम हिंदुओं की देखो हो ही नहीं सकती। जैसे हम बाजार से चावल लेते हैं, हम चावल खाते हैं तो हम बोलते हैं हम चावल खा रहे हैं, और अगर हम उसको अपनी पूजा में लगा देते हैं तो हम बोलते हैं अक्षत, तो हम अक्षत से पूजा कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, हम बाजार जाते हैं, हम भैया जी को कहते हैं मूर्ति होती है 3,000 की होती है, भैया जी 2,500 की लगा दो, 2,500 की लगा दो, 2,000 की लगा दो, तब उसमें प्राण नहीं होते। फिर हम उसको भैया जी कहते हैं 3,000 में मिलेगी, फिर हम उसको अपने घर ले जाते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। तो कोई ये कहने की हिम्मत रख सकता है, मंदिर में जो भगवान जी होते हैं उसको कोई कहने की हिम्मत रख सकता है कि मैं आपको 3,000, 4,000, 6,000 रुपये दूंगा ये मुझे दे दो? नहीं ना। बस तो जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तब प्रतिमा को, मूर्ति को ईश्वर में बदलने की हो जाती है, ईश्वर में बदल जाती है प्रतिमा।